दुनिया के शक्तिशाली नेताओं में शुमार चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग का जन्म 15 जून 1953 को चीन के शाक्सी काउंटी में हुआ था। वर्ष 2013 में राष्ट्रपति बनने से पहले वो 2008 से लेकर 2013 तक चीन के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके अलावा शी चिनफिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी रह चुके हैं, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी में सबसे बड़ा ओहदा होता है। चीन की संसद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए दो कार्यकाल की निर्धारित सीमा को खत्म कर दिए जाने के बाद अब वो आजीवन राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, यानी शी चिनफिंग लंबे वक्त तक चीन के सर्वे सर्वा बने रहेंगे। वर्ष 1949 में चीन में सांस्कृतिक क्रांति के बाद शी चिनफिंग पांचवी पीढ़ी के नेता माने जाते हैं। शी चिनफिंग के पिता चीन के डेप्टी पीएम भी रह चुके हैं, हालांकि बाद में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था और इसी का खामियाजा शी चिनफिंग को आजीवन उठाना पड़ा। शी चिनफिंग को राष्ट्रपति बनने तक यह साबित करना पड़ा कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति पूर्ण रूप से वफादार है, और इसी बात को सिद्ध करने के लिए उन्हें 6 सालों तक लगातार खेतों में मजदूरी भी करनी पड़ी, यानी अपनी वफादारी साबित करने के लिए उन्हें मजदूर भी बनना पड़ा। माओ के बाद वो ऐसे पहले नेता है जो जमीन से उठकर राष्ट्रपति बने। इनका व्यक्तित्व काफी परिपक्व और व्यवहार काफी शालीन है। इंडिया में जहाँ पीएम मोदी न्यू इंडिया की बात करते हैं, वहीं चीन में वो न्यू चाइना की बात करते हैं। न्यू चाइना जो तीनों क्षेत्रों यानी सेना, संस्कृति और अर्थव्यवस्था में दुनिया में प्रमुख स्थान रखता हो, इसके लिए उन्होंने वन बेल्ट वन रोड परियोजना भी शुरू की। इसके साथ ही चीन एक ऐसा देश है जो एशिया में सबसे ज्यादा हथियार भी निर्यात करता है। वन बेल्ट वन रोड की वजह से चीन का यूरोप के ज्यादातर देशों से सीधा रोड के जरिए संपर्क हो जाएगा। दोस्तों, शी चिनफिंग को इतिहास और दर्शन शास्त्र से काफी लगाव है। वो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध कार्य करता है और पार्टी के प्रति भरोसे को उन्होंने हमेशा साबित किया है और करना पड़ा भी है। शी चिनफिंग शराब नहीं पीते और अपना काम समय से करते हैं। उनका कहना है कि वो चीन को नंबर वन बनाने के मिशन पर चल रहे हैं। उनको किताबें पढ़ना बहुत ही पसंद है और वो रूसी साहित्य काफी चाव से पढ़ते हैं। प्रोफेशनल रूप से वो केमिकल इंजीनियर है और कानून में मास्टर की डिग्री रखते हैं। उनकी पत्नी पेंग लियुआन लोक गायिका है। हालांकि उनके कार्यकाल में उइगर मुस्लिमों और हांगकांग में विरोधियों का दमन काफी बढ़ गया है, और इसीलिए वो पाकिस्तान के मित्र होने की वजह से हमें कश्मीर पर ज्ञान देते रहते हैं। यही तो है चीन का दोगलापन। लेकिन चीनी राष्ट्रपति ने जो अपनी मेहनत के बल पर अचीव किया, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।